मंदसौर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो पहले महिला द्वारा फेसबुक पर लोगों से दोस्ती करते हैं, बाद में उन्हें जाल में फंसाकर उनकी अश्लील तस्वीरें लेकर वायरल करने की धमकी देते हैं और उनसे पैसे की मांग करते थे। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला अभी फरार है। मंदसौर के सिटी कोतवाली पुलिस के पास मंदसौर जिले के दलोदा का रवि नाम का व्यक्ति पहुंचा और उसने पुलिस को अपना दुखड़ा सुनाया। उसने कहा कि नीमच की एक लड़की ने उससे फेसबुक पर दोस्ती की, बाद में उसे अपने पास बुलाया। जब वह वहां पर पहुंचा तो वहां पर दिलीप सोनी और लोकेंद्र नीमे नाम के व्यक्ति पहुंचे, जिसमें दिलीप ने अपने आप को पुलिस वाला बताया और उसके कपड़े खुलवाकर अश्लील तस्वीरें भी ली तथा उसे धमकी दी कि 50,000 दे दो वरना यह तस्वीरें वायरल कर देंगे। फरियादी ने पुलिस में रिपोर्ट की, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों बदमाशों को धरपकड़ा। आरोपी महिला रंजना नागदा अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसकी पुलिस को तलाश है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अभी पूछताछ कर रही है। हो सकता है इस गिरोह द्वारा और भी कई लोगों को ठगने के मामले का खुलासा हो, लेकिन कई लोग अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पुलिस तक नहीं पहुंचते हों। देखना होगा पुलिस पूछताछ में इन दोनों आरोपियों से और कितनी जानकारी जुटा पाती। रवि जी, ये बताइए कि किस तरह से ये जो महिला है ये लोगों को फंसाती थी और लोगों को चंगुल में लेके फिर पैसे वसूल करते थे। मेरे को कुछ दिनों से इसकी महिला की जानकारी थी, कुछ लोगों को इनने पहले भी फंसाया था, तो ये मेरे को पता चला था बहुत लोगों से। तो हमने प्लानिंग करी थी, हम लोग दोस्त लोगों ने मित्र लोगों ने मिलकर कि इस महिला को कैसा रोका जाए, तो उसके लिए मैं इनके पास जिस हिसाब से ये बुलवाते हैं उस हिसाब से मैं गया था। इनकी प्लानिंग फेसबुक के माध्यम से, तो इनका फ्रेंड बना था, उसके हिसाब से इनने मेरे को जहाँ बुलाया वहाँ गया। पूरी रेकी हमारे लोग भी कर रहे थे और इनके लोग, जैसे ही मैं घटना स्थल पर जाता हूँ ये घटना होती है। क्या करा था इन्होंने? इन्हें जो ये 3-4 लोग रहते हैं, 2-3 लोग व्यक्ति रहते हैं, 2-3 लेडीज मिलके ये लोगों को बुला लेते हैं, चाय वाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। मैंने ऐसा वहाँ कुछ करा तो नहीं था। इसके बाद इन्हें पकड़ के जबरदस्ती कपड़े उतरवाना लोगों के, ऐसा करके इन्हें अश्लील फोटो खींचना, ये वारदातें लोगों के साथ करते थे। पैसे कैसे मांगते थे? और पैसे भी 50,000 रुपये देना पड़ेंगे, नहीं दोगे तो फोटो वायरल हो जाएगा, ऐसा ऐसा ये धमकी देते थे। इसमें एक लड़का जो पुलिस वाला बनता था वो क्या कहता था? वो कहता था मैं इस कार्ड का आदमी हूँ। कौन है वो? दिलीप करके हैं। तो ऐसे लोग अब चंगुल में नहीं फंसे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसे लोग इसीलिए मैं मीडिया के सामने भी इसीलिए आया हूँ कि ऐसे लोग सतर्क रहे हैं और कुछ भी अगर ऐसी कुछ घटना होती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। सर, पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है, किस तरह का मामला था और किस तरह से लोगों से ठगी करते थे? ये दालोदा के निवासी हैं, रवि मावर। इनको करीब एक महीने पहले एक राजी नागदा नाम की, जो उसका असली नाम रंजना नागदा है, उसके द्वारा फेसबुक पर फ्रेंड बना के उनको अपने ट्रैप में फंसाया, उनको पैसे के लिए बुलाया अपनी आपबीती सुनाकर। तो जब यहाँ आए तो इनको इस प्रकार से वो रंजना नागदा और फराजी नागदा उसके और उसके दो साथियों द्वारा अभिनंदन में बुलाकर उसको जबरदस्ती उसके नग्न फोटो वगैरह लेके उसको ब्लैकमेल किया गया, उसको 50,000 रुपये देने के लिए कहा, अन्यथा तुम्हारे वायरल कर दिए जाएंगे फोटो। तो उनको उससे जैसा भी हुआ 20,000 का इनका सौदा हुआ था। 20,000 में से रवि द्वारा बताया गया कि 10,000 की उनको किस्त दे दी गई थी और इसी दौरान रवि द्वारा पुलिस में कंप्लेंट की तो उस पर केस रजिस्टर्ड करके इन दोनों को हिरासत में लिया गया। जो आरोपी महिला है उसकी तलाश के लिए पुलिस क्या कर रही है? उसकी तलाश की जाएगी, नीमच पुलिस से भी संपर्क किया गया है, तो बहुत जल्दी उसको गिरफ्त में ले लिया जाए। इसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति इसमें नकली पुलिस वाला बनता था, इसके संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन ऐसे कोई तथ्य अभी सामने आए नहीं। तो जैसे इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कोई तथ्य आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाए।